देखिए भाई लोग, क्राउन मुझे नहीं मिल रहा तो आसान आसान सवाल पूछ रहा बोले तो एक तो यार ये ऐसा है कि ये मेरा तो पहला मौका है ज्यूरी बनने का। अब तक तो हम स्टेज पे हुआ करते थे और लोग हमें जज करते थे, और क्योंकि ये तो ब्यूटी प्रेजेंट है एंड इट्स नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच एट दिस स्टेज। सो आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड दैट आई विल बी विद द विनर्स ऑलरेडी, जो स्टेज पे हैं वो ऑलरेडी विनर्स हैं, और इसमें से जो जीतेंगे वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करेंगे। सो इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने में ही अपने आप में एक मज़ा है। अभी तक तो मुझे पता नहीं है, पर अगर माइक दिया गया, कुछ सवाल बोला गया तो पूछेंगे। देखिए एक तो यार ये सुंदरता की जो व्याख्या है ना, जो हमने हर जगह पढ़ी सुनी है, मुझे तो वो पहले जाननी है कि व्हाट एग्जैक्टली डू दे अंडरस्टैंड एज ब्यूटी। अब कुछ फिल्में तो बन के तैयार हैं जो मैं आगे भी बता चुका हूँ, उसी में से कोई एक जल्दी रिलीज़ होगी, पर सबसे बड़ी चीज़ जो अभी करने जाऊँगा वो है गांधी वेब सीरीज़, जिसकी तैयारी चल रही है, जो अभी जल्दी शुरू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। I think everybody is always looking forward to see who, which girl will take the crown home. And I think this year the batch especially is very, very dynamic as a, you know, bunch. And so it'll be very fun to see all of them competing for the same cause. Thank you. This is actually Geisha Designs. And I mean, I've always been a fan of designers when they try to express art through their work, you know. So if you can see, it's a very 3D, you know, not a single dimension outfit. And yeah, that is the steel of this.
I'm good. How are you all? कैसे हो सब? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो लास्ट मिस डिवा के फिनाले मैंने अटेंड किया था वो था 2017. सो 6 साल के बाद मैं वापस आ रही हूँ, तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ. हाँ, शूटिंग और काम और ट्रैवलिंग तो कभी वो हुआ नहीं, तो इस बार मैंने सोचा कि चलो आना ही है और देखना है वापस. फील्स हो वापस घर आना तो यार. हाँ, सो मैं आज पहन रही हूँ निकिता मैसेलकर का आउटफिट, बहुत अच्छा है. और मुझे बिकॉज इट वॉज टू लास्ट मिनट मेरा स्केड्यूल, वी वर प्लानिंग, और तो आज सुबह वी पिक द आउटफिट और इट्स ओला. अच्छा लग रहा है. थैंक यू. वो बहुत हर्टफुल था. आप जो बोल रहे हो कि मैं KGF 3 में नहीं होगी, वो बहुत हर्टफुल है. नहीं, यू विल हैव टू आस्क द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर. और डायरेक्टर इज ऑल्सो बिजी विद अदर मूवीज, सो वी विल हैव टू वेट. होगा नहीं होगा वो एक मिस्ट्री है. लेट्स जस्ट लेट्स वेट. नरेशंस चल रहा है, देर आर सम इन पाइपलाइन. अभी जो भी फाइनलाइज कॉन्क्रीट नहीं हुआ है दैट आई कुड से इट आउट लाउड, तो जब होगा मैं ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगी. होगा पता नहीं क्योंकि हम ज्यूरी में हैं, वी आर ऑन द पैनल, तो होगा. अगर कोई लास्ट राउंड क्वेश्चन आंसर होगा तो पूछना पड़ेगा. मुझे सच कुछ पता नहीं है. मुझे एक्चुअली एंजॉय करना है आज शो क्योंकि बहुत सालों के बाद देख रही हूँ, तो द गर्ल्स आर वेरी स्ट्रांग, वेरी टैलेंटेड. तो देखते हैं, मैं उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाली हूँ, बहुत ईजी रखने वाली हूँ बिकॉज आई हैव बीन देयर ना, तो मुझे पता है. तो thank you.
थैंक यू जी. मैंने मैंने निकिता जी को पहना है. बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस उन्होंने बनाई है एंड शी इज़ वन ऑफ द ज्यूरी ऑल्सो. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू हर एंड परफॉर्म दिस वेरी एब्सोल्यूट honor of my life of judging Diva Miss Dior 2023 contestants. So I think I'm ready for that. मेरे एक्चुअली सवाल मैं ये पूछूंगी कि आपका असली मकसद क्या है इधर आने का. अगर आपको अपनी मंजिल का मकसद नहीं पता है तो आप मंजिल तक कभी पहुँच नहीं सकते हो. तो आप जीतने क्यों आए हो? आपके लिए जीतना क्या है? अच्छा ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, बट एग्जैक्टली कैसे करोगे आप? क्योंकि आपके एसेंस होना उसमें बहुत ज़रूरी है. सो मेरा हमेशा यही, मेरे अपने आप से भी ये क्वेश्चन आया कि आपका जो मंजिल का मकसद क्या है, क्यों आप आए हो इधर, क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? मेरे अकॉर्डिंगली वो अंदर से खूबसूरत होनी चाहिए लड़की, क्योंकि सब बहुत खूबसूरत हैं. जो कॉन्फिडेंट हो, जिसके अंदर इंडिया की एसेंस हो, क्योंकि वो कल को भारत को रिप्रेजेंट कर रही है मिस यूनिवर्स के स्टेज पे, और जो अच्छा बोलती हो, अच्छा सोचती हो, और आई थिंक एक वुमेन जो अलग औरतों को भी क्या कहते हैं एम्पावर करना चाहती हो, वो होती है मिस डिवा. थैंक यू, थैंक यू. आई थिंक थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू सो मच. वेल, मैंने खुद जज किया है द फाइनल राउंड्स ऑफ ऑडिशंस जो मुंबई में हुए थे. 300 लड़कियों के फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड द कॉम्पिटिशन वॉज वेरी वेरी टफ एंड आई नो कपल ऑफ गर्ल्स हु आर रियली डिजर्विंग एंड आई होप वन ऑफ देम विन फ्रॉम देम टुनाइट. सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, बिकॉज हाउ एवर दे आर दे जस्ट गॉट बी कॉन्फिडेंट ऑन देयर ओन स्किन. एंड बिसाइड्स दैट आई थिंक द बेसिक क्वालिटीज विच दे नीड टू हैव यू नो वेल गुड कम्युनिकेशन, दे हैव टू बी पंक्चुअल, दे हैव टू बी वेल स्पोकन, वेरी कंजीनियल विथ एवरी अदर कंटेस्टेंट,
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बींग देमसेल्व्स, बींग ऑथेंटिक. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी. एंड देर आर सो मेनी गुड कंटेस्टेंट्स दिस टाइम, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ईगर टू सी हू इज गोना विन टुनाइट. थैंक यू सो मच. एक्साइटेड हूँ. बहुत ही ग्लैमरस नाइट है लीवा मिस डीवा फिनाले, एंड हमारी सारी लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हु विंस टुनाइट. थैंक यू. दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ाइनर्स, एलिजाबेथा फ्रांकी उनका नाम है. यूरोपियन डिज़ाइनर हैं और उनके सारे ही कपड़े मुझे बहुत पसंद हैं. इट्स ब्लैक एंड आई वॉन्ट टू वेयर ब्लैक टू नाइट. सो यार आई थिंक डीवा इज अ वे टू, इट्स अ वे ऑफ बीइंग. यू फील लाइक अ डीवा इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इफ़ यू फील गुड, इफ़ यू आर पॉजिटिव, यू फीलिंग द मोमेंट, दैट्स अ ट्रू डीवा. वेल अभी तो नेटफ्लिक्स पे सोशल करेंसी आया, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द ऑडियंस. इनफैक्ट आजकल भी मुझे मैसेजेस आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. जिसने भी शो देखा उनको बहुत पसंद आया. एंड बहुत जल्दी एक फिल्म आने वाली है, टॉक अबाउट इट सून, यहीं पे बात करेंगे. बट आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स आई गॉट फॉर द शो. यार एक्साइटेड तुम लोगों को होना चाहिए ना, मैं परफॉर्म करने वाला हूँ. तो बताओ प्लीज कितने एक्साइटेड हो गाइस. चलो अच्छा थोड़ा नकली में ही जोर की चिल्ला लेते यार. वी आर डूइंग द 90s थीम, सो 90s के बेस्ट से बेस्ट गाने हैं. अभी शाहरुख सर का थाता थैया आ रहा है, उसी के बेसिस पे छैया छैया भी है अंदर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. बहुत सारे मेरे फेवरेट गाने हैं एंड ऑल माई फेवरेट सुपरस्टार्स. सो इट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग एंड आई एम गेटिंग अ चांस टू शेक अ लेग विद ऑल द एक्स डिवास. So it's going to be very very excited. सवाल नहीं पूछने वाला, सवाल पूछ चुका मैं पिछले साल. It's always very exciting because अलग अलग तरीके के rounds होते हैं, जिसमें talent round भी आता है, question round भी आता है, उनकी walks भी होती है. It's not just on the basis of somebody's features की you know आप winner announce करते हैं. It's an all round performance. And I feel it's a very tough competition. I met a few contestants this time, and they all are deserving. So I just wish the best one wins. I'm wearing Raghuvendra Rathod, and he's been very kind to send me this perfectly fitting. And I really love his cuts. So yeah. बहुत जल्द फुकरे 3 आएगी. And very excited for that. Puri team बहुत excited है और film भी काफ़ी exciting है. So just fingers crossed it will be out very soon. Thank you. Thank you. Thanks guys.